तो आज मूवी रिलीज हुई है लाल सिंह चड्ढा रक्षाबंधन के दिन, और जितना मैंने रिव्यूज पढ़े हैं अभी तक मूवीज के, रिव्यूज ज्यादातर लोगों ने अच्छे नहीं बताए हैं। काफी ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम लगी रिव्यूज में, जिसमें मेजरली यही था कि भाई सिख रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा नहीं है, और आमिर खान जो है वो पंजाबी अच्छे से नहीं बोल रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो लोग बोल रहे हैं कि बहुत ही कैरिकेचरिश सा परफॉर्मेंस दिया गया है आमिर खान के द्वारा। खैर मेरा तो कोई प्लान नहीं था लाल सिंह चड्ढा देखने का, बिकॉज मैंने ऑलरेडी फॉरेस्ट गम देख चुकी है और फॉरेस्ट गम मुझे काफी अच्छी लगी थी, तो आई डोंट वॉन्ट टू रुइन फॉरेस्ट गम फॉर मी बाय वॉचिंग लाल सिंह चड्ढा। और अब रिव्यूज देख के तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है देखने का। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं जो बॉलीवुड का ये बॉयकॉट कल्चर चल रहा है अभी, कि हम देख रहे हैं कि भाई एकदम से सारी मूवी जो भी रिलीज हो रही है सबके लिए एकदम ट्विटर पर ट्रेंडिंग हो जाता है कि ये बॉयकॉट करो, ये वाली मूवी बॉयकॉट करो, सब पूरी दुनिया ही बॉयकॉट कर दो भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पर ये चीज आपने देखा होगी, ये पोस्ट पैंडेमिक शुरू हुई है, क्योंकि पैंडेमिक से पहले ऐसा कोई बॉयकॉट नहीं होता था खास, अंटिल अनलेस किसी के रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट हो गए या कोई बहुत बड़ा ऐसे कोई मुद्दा हो। अगर आप लोगों को याद हो एक पहले कोई तांडव सीरीज आई थी उसको लेके भी काफी ज्यादा ऐसे बॉयकॉट वगैरह कुछ चला था और चलता ही रहता है। और अभी आपने देखा होगा रिसेंटली काफी ज्यादा मूवीज जो बिग बजट मूवीज थी वो थिएटर में लगी लेकिन वो फ्लॉप हो गई, लोग गए नहीं उन्हें मूवी देखने के लिए, और कुछ मूवीज ने तो रिकॉर्ड भी बनाया सबसे बड़ी फ्लॉप होने का। और यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं मूवी से या फिर मूवी का ट्रेलर देख के, वो उनको जब वो मूवी देखने जाते हैं थिएटर में तो वो उनको वो एक्सपेक्टेशन उनकी पूरी नहीं होती, और क्योंकि रियलिटी में मूवी अलग ही निकल जाती है कुछ और। इसका एग्जांपल आप देख ही सकते हो, धाकड़ हो गई, शमशेरा हो गई, पृथ्वीराज हो गई। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्चुअली में ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने बिल्कुल बॉयकॉट ही कर दिया मूवीज देखना और लोग थिएटर में जाना चाहते ही नहीं है इन मूवीज को देखने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्री पेंडेमिक कंज्यूमर माइंडसेट था क्या। तो धीरे धीरे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आने लगे थे लेकिन वो सिर्फ वेब सीरीज ही निकाल रहे थे, और जब बिग बजट मूवीज या शोज होते थे उनका इतना इंटरेस्ट नहीं रहता था इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में, और तब तक लोग अपने फेवरेट स्टार की मूवीज थिएटर में ही देखना पसंद करते थे। और क्योंकि कोविड नहीं था लोग अपने दोस्तों के साथ फैमिली मेंबर्स के साथ एक आउटिंग के बहाने ही चलो कोई मूवी देख लेते हैं, तो ये काफी ज्यादा था उस टाइम, क्योंकि मैं भी अपने दोस्तों के साथ फैमिली मेंबर्स के साथ कोई ना कोई मूवी देख ही आता था, फिर वो चाहे अच्छी हो बुरी हो अगर लगी है तो देख ही लेते हैं। और एक चीज तो आपको पता होगा कि टीवी पे किसी को मूवी देखना पसंद नहीं है क्योंकि बीच बीच में ऐड आ जाते हैं और इतने ज्यादा लंबे ऐड होते हैं तो आपका वो एक कनेक्शन टूट जाता है मूवी की स्टोरी से। फिर आपका पेंडेमिक शुरू हो गया, सब कुछ बंद हो गया, लेकिन फिर उसके बाद राइज हुआ ओटीटी का, और हम घर पे बैठे हुए हैं अकेले लोनली फील कर रहे हैं, और तब हमारे साथ देते हैं टीवी शोज, सीरीज, मूवीज। और हमें शोज भी कैसे मिलते देखने के लिए, डार्क, स्ट्रेंजर थिंग्स, पाताल लोक, कोटा फैक्ट्री, पंचायत, फैमिली मैन और भी बहुत सारे। और जो घर बैठे आपको कंफर्ट मिलता है अपनी ये सारी फेवरेट मूवीज या सीरीज देखने का, और क्योंकि टाइम भी उस टाइम काफी ज्यादा था और करने को कुछ ऐसा था नहीं, तो काफी ज्यादा लोगों ने बहुत सारी मूवीज और सीरीज को कंज्यूम किया, और हो सकता है वहां से उनका टेस्ट थोड़ा डेवलप हुआ हो चीजों को लेकर, हो सकता है उन्होंने अलग टाइप की मूवीज देखी हो या सीरीज देखी हो, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा बहुत ही अलग टाइप की मूवीज देखी थी क्योंकि मेरे पास टाइम था, तो मैंने ऑस्कर विनिंग मूवीज देखी काफी सारी, जर्मन शोज देखे मैंने, और भी अलग अलग टाइप की डॉक्यूमेंट्रीज देखी मैंने, और वहां पे आपका थोड़ा सा कंटेंट कंजम्पशन में एक शिफ्ट आ गया। और फिर जो रही कसर थी वो सुशांत सिंह वाले केस ने आगे पूरी कर दी, क्योंकि उसने भाई जो एक चिंगारी थी उसमें लगा दी आग, और फिर कंगना बीइंग कंगना, कंगना ने अपना अलग रायता फैलाया। फिर बात करते पैंडेमिक के बाद, क्योंकि पैंडेमिक के बाद जब थिएटर्स दोबारा से खुले तो कंज्यूमर माइंडसेट शिफ्ट हो चुका था काफी ज्यादा, क्योंकि अब देखो तो आप मेरे पास कोई भी इंसेंटिव नहीं है इन मूवीज को देखने के लिए थिएटर्स में, क्योंकि आप खुद सोचो अब अगर एक महीने बाद अच्छी से अच्छी मूवी नेटफ्लिक्स या फिर जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आ जाती है तो मैं क्यों जाना चाहूंगा थिएटर में कोई ऐसी नॉर्मल सी मूवी जो कि मतलब ऐसे फैमिली फ्रेंडली टाइप मूवी होगी, कोई लार्जर देन लाइफ मूवी नहीं होगी। व्हाई वुड आई वांट टू स्पेंड माय मनी वॉचिंग ऑन थिएटर व्हेन आई कैन वॉच ऑन टीवी इन एचडी क्वालिटी जस्ट सिटिंग एट माय होम एंड ईटिंग पॉपकॉर्न और समथिंग एल्स व्हाटएवर यू लाइक। लोगों का थिएटर में जाने का तभी मन है जब वो बिल्कुल श्योर हो कि भाई ये मूवी है ना, ये लार्जर देन लाइफ मूवी है, इस मूवी को देखने में मुझे बहुत मजा आएगा, और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जो एक होता है वो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लेने के लिए जाऊंगा मैं, और यहाँ पे मैं अपना पैसा खर्च करने के लिए रेडी। फॉर एग्जाम्पल आपकी मूवीज हो गई RRR या KGF जो कि लार्जर देन लाइफ है, या फिर मार्वल की कोई मूवीज हो गई। जब से थिएटर्स खुले हैं मैंने बॉलीवुड की सिर्फ 3 मूवीज देखी हैं, जिसमें से एक थी गंगूबाई काठियावाड़ी जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी थी, सेकंड वाज कश्मीर फाइल्स विच वाज आल्सो वेरी गुड, एंड थर्ड वाज पृथ्वीराज। क्योंकि मेरा थोड़ा हिस्ट्री और कल्चर में इंटरेस्ट है तो मैं इसलिए थिएटर में चला गया देखने के लिए, लेकिन आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड विद पृथ्वीराज मूवी। और अगर मैं अभी की बात करूं तो मैं अभी अपने दोस्तों के साथ बुलेट ट्रेन मूवी देखने गया विच इज अ हॉलीवुड मूवी, क्योंकि बॉलीवुड की कोई भी मूवी मैं देख रहा था कोई भी मुझे अच्छी या फिर अपीलिंग नहीं लग रही थी कि हाँ यार मैं पैसे देने के लिए रेडी हो जाऊं। और आप देखोगे कि पहले जो एक स्टार पावर रहती थी कि भाई सलमान खान की मूवी है तो भाई ईद पे आ रही है देखने ही जाएंगे,
तो वो भी आप धीरे धीरे आप देख सकते हो थोड़ी सी फेड हो रही है, अभी भी है बट पहले जितनी नहीं है, बिकॉज नाउ पीपल वॉन्ट क्वालिटी। अगर आप क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करोगे तो पीपल आर नॉट गोना वॉच योर मूवी ऑन थिएटर्स। ऑन द अदर हैंड पीपल विल बी वेरी एक्साइटेड फॉर मूवीज लाइक ब्रह्मास्त्र एंड अवतार, क्योंकि वो मूवी आपको शॉर्ट शॉर्ट एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देंगी। वो एक्सपीरियंस जो आप इतने सारे लोगों के साथ बैठ के जब देखते हो, इतने सारे लोग एक साथ तालियां बजा रहे होते हैं, आपकी डॉल्बी साउंड होती है, आप आईमैक्स 3D में या फिर 3D में देख रहे हो मूवी, तो उसका एक एक्सपीरियंस जो है वो पूरा होलसम एक्सपीरियंस थिएटर या फिर सिनेमा हॉल में, उस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए पीपल विल गो आउट। तो ऐसा नहीं है लोग बॉलीवुड की मूवीज बॉयकॉट करने तो सिनेमा का टाइम ही चला गया है कि मतलब OTT ने टेक ओवर कर लिया सिनेमा को, ऐसा नहीं है। सिनेमाज विल स्टिल एग्जिस्ट, थिएट्रिकल एक्सपीरियंस सिनेमैटिक एक्सपीरियंस वो रहेगा और पीपल विल स्टिल गो टू वॉच दीज मूवीज इन थिएटर्स। बट यहाँ पे बॉलीवुड हैज टू चेंज देयर स्ट्रेटजी टू ब्रिंग दैट एक्सपीरियंस, ताकि लोग बॉलीवुड की स्पेशली मूवीज देखने जाएं। दे हैव टू ब्रिंग समथिंग न्यू एंड समथिंग फ्रेश, समथिंग यूनिक। ये जो बॉलीवुड का जो नेपोटिज्म बबल है, लोगों को यहाँ से बाहर निकलना होगा, उन्हें एक्चुअली देखना होगा कि भाई ऑडियंस को क्या पसंद है, थोड़ा उनको ऑडियंस को भी समझना होगा कि ऑडियंस एक्चुअली में क्या देखना चाहती है। और ऑडियंस देखना चाहती है नई स्टोरीज इन द सेंस ऑफ कि भाई हमारे कल्चर में इतनी सारी चीजें, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात कर दिया, वो वीडियो चेक कर सकते हैं। हमें चाहिए कुछ यूनिक, कुछ नया हो, कुछ अलग हो। द रीजन गंगूबाई काठियावाड़ी, कश्मीर फाइल्स ही मूवीज इतना ज्यादा क्यों परफॉर्म करी थिएटर्स में, बिकॉज ऑडियंस को कुछ ऐसा मिला कि यार ये थोड़ा नया है, कुछ अलग है, और इस चीज के बारे में हम अवेयर नहीं थे, हमें पता नहीं था कि यार ऐसा भी कुछ है। इस वजह से वो स्टोरी सेल हुई। अगर आप बार बार वही पुरानी किसी भी स्टोरी लेके आते रहोगे या कोई रीमेक बनाते रहोगे, एक ना एक बार के बाद वो ऑडियंस का जो अंदर का जो प्रेशर है वो ऐसे फटेगा और वही चीज हो रहा है और वही निकल रहा है आपके बॉलीवुड में जो बॉयकॉट हो रहा है। उस वजह से बात करते हैं लाल सिंह चड्ढा का जो बॉयकॉट हो रहा है। आई थिंक बाकी चीजें जो जितने भी है वो सब एक बहाना है इसको बॉयकॉट करने के लिए। असली रीजन ये है कि बस ऑडियंस इंटरेस्टेड ही नहीं है भाई, क्योंकि अब डिजिटल एज में हमको पता चल जाता है कि भाई ये मूवी तो इस चीज की अडेप्टेशन है, ये मूवी तो इस चीज की रीमेक है, ये मूवी, क्योंकि आप पहले देखते थे हमें लगता था यार ये नई स्टोरी है जो भी बॉलीवुड में मूवी आती थी, लेकिन जब हमें बाद में नेट पे हमने सर्च किया तो हमें पता चला ओ ये तो इस मूवी की रीमेक थी, ये भी इस मूवी की रीमेक थी, ये भी इस मूवी की रीमेक थी, ज्यादा साउथ मलयालम कन्नड़ इन सब की रीमेक ही बनती थी। एंड द फैक्ट दैट रीजनल सिनेमाज में इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज निकल के आती है कि लोग उस तरफ ज्यादा ग्रेविटेट हो रहे हैं कि उनको अच्छी स्टोरीज चाहिए, फिर वो चाहे किसी भी इंडस्ट्री से आए। एंड दैट बॉलीवुड नीड्स टू अंडरस्टैंड, द पीपल इन बॉलीवुड रियली नीड टू थिंक एंड अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग रॉन्ग। और ऐसा नहीं है कि भाई टैलेंटेड राइटर्स या टैलेंटेड डायरेक्टर्स टैलेंटेड एक्टर्स की इस देश में कमी नहीं है, इस देश में भरमार है टैलेंट, बट वही है ना, राइट टैलेंट को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, बिकॉज ऑफ कोर्स बॉलीवुड में नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है, तो भाई कैसे मिल जाएगा आप। बट या आई मीन बॉलीवुड हैज टू गिव समथिंग टेंजिबल टू द ऑडियंस, अगर उनको वापस ऑडियंस का ट्रस्ट चाहिए कि हाँ बॉलीवुड में कोई एक मूवी आए तो लोग देखें, बट फॉर दैट उनको स्टार पावर या स्टार कास्ट से साइड हटके एक्चुअल स्टोरी और स्क्रीन प्ले में फोकस करना पड़ेगा, जिसमें मेहनत लगती है। नहीं तो भाई ये बॉयकॉट तो चलता रहेगा और आपको कंज्यूमर माइंडसेट पढ़ना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि ऑडियंस किधर जा रही है। एक चीज मैं और बता दूं कि भाई जो नॉर्मल मूवीज हैं लाइक मतलब जुग जुग जियो टाइप, उनको इट्स काइंड ऑफ बेटर टू रिलीज देम ऑन OTT rather than इन थिएटर्स, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि इस टाइप की मूवीज OTT स्पेस के लिए ही सूट कर रही हैं। इंसान को कुछ लाइट हार्टेड देखना है, उसने खोला भाई अपना देखना शुरू कर दिया, एंड जो बिगर देन लाइफ लार्जर देन लाइफ जिसमें भाई मतलब किसी एक बंदे ने डायरेक्टर ने 3-4 साल या 5 साल लेके बनाई है मूवी और वो चाहते हैं ग्रैंड स्केल पे हम रिलीज करें इस मूवी को, उसके लिए ऑडियंस रेडी रहेगी पे करने के लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन ठोकिए गाइज, सब्सक्राइब कीजिए, सफर कराइब कर दीजिए गाइज, सफर कराइब व्हाटएवर, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। इस टाइप की और वीडियोस देखनी है इस साइड मिल जाएंगी, और कुछ अलग टाइप ऑफ कंटेंट देखना आपको इस साइड मिल जाएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हालांकि अभी मैं उसके बाद ही ये वाली वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन आपको बाद में मिलेगी, क्योंकि आप देख सकते हो, आप जान सकते हो कि भाई मेरे कपड़े तो सेम ही रहेंगे, कैप भी सेम रहेगी, मेरा सब कुछ सेम ही रहेगा, तो इसका मतलब मैंने आज ही अभी शूट करी है, लेकिन आपको मिलेगी। क्या बोल रहा है भाई, बिल्कुल चुप। थैंक यू।